हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ध्यान कॉमर्स, द की ऑफ सक्सेस। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड प्रेस बेल आइकॉन फॉर नोटिफिकेशंस। थैंक यू। जय माता जी। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर ऑफ ध्यान कॉमर्स। बच्चों, आपका स्वागत है। 11 कॉमर्स एलिमेंट्स ऑफ अकाउंट्स पार्ट टू सब्जेक्ट के अंदर बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने स्टार्ट किया है। चैप्टर नंबर 3 प्रोविजंस एंड रिजर्व्स, जिसके अंदर बच्चों लेक्चर नंबर 2 में हम बाकी बचे हुए थियरी क्वेश्चंस, जिसमें दो डिफरेंस शॉर्ट क्वेश्चंस और एमसीक्यू को स्टडी करेंगे। नाउ वी आर टेकिंग फर्स्ट मीनिंग ऑफ रिजर्व फंड। आगे बच्चों, जो हमने फर्स्ट लेक्चर में रिजर्व के टाइप्स देखे, उसमें रिजर्व फंड का मीनिंग बाकी था, अब उसे समझ लेते हैं बच्चों। Generally, the amount of general reserve remains in the business as working capital. Generally, बच्चों, general reserve का balance as a working capital business में रहता है। But if the amount of this reserve is invested outside the business, it is known as reserve fund. तो जनरली बच्चों, जनरल रिजर्व बिजनेस के अंदर सेफ्टी के तौर पर रखा जाता है, पर यही रिजर्व को अगर बच्चों आउटसाइड बिजनेस इन्वेस्ट किया जाए तो उसे रिजर्व फंड का नाम दिया जाता है। नेक्स्ट बच्चों, अब हम देखने जा रहे हैं डिफरेंस बिटवीन जनरल रिजर्व एंड प्रोविजन। प्रोविजन और रिजर्व का बच्चों डिफरेंस देखेंगे। सबसे पहले टेबल आएगा, लेफ्ट साइड पॉइंट्स, फिर जनरल रिजर्व की डिटेल, फिर प्रोविजन। सबसे पहला पॉइंट है बच्चों पर्पस। द पर्पस ऑफ क्रिएटिंग जनरल रिजर्व इज टू इंक्रीज फाइनेंशियल साउंडनेस ऑफ द बिजनेस और टू मीट विथ कॉन्टीजेंट एक्सपेंसेस। यानी जनरल रिजर्व का बच्चों क्रिएट करने का मेन पर्पस है बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को अच्छी रखना और फ्यूचर के एक्सपेंसेस के सामने रक्षण लेना। इस तरह बच्चों प्रोविजन का मीनिंग या पर्पस, प्रोविजन इज मेड फॉर स्पेशियल पर्पस ऑफ मीटिंग विथ नोन प्रोबेबल लायबिलिटी और लॉसेस। एग्जाम्पल, प्रोविजन फॉर डेप्रिशिएशन, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स एटसेट्रा। तो ऐसा कह सकते हैं बच्चों जनरल रिजर्व कोई अननोन पर्पस के लिए रखा जाता है, प्रोविजन नोन पर्पस या नोन लायबिलिटी के लिए, फ्यूचर के लिए रखा जाता है। नेक्स्ट है बच्चों, फ्रॉम विच अकाउंट इट इज अप्रोप्रिएटेड। कौन से अकाउंट में से जनरल रिजर्व रखा जाता है? जनरल रिजर्व इज क्रिएटेड आउट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो बच्चों प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद जो प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूशन करने वाला अकाउंट है, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन अकाउंट को बोला जाता है पीएनएल एप्रोप्रिएशन। तो जीआर पीएनएल एप्रोप्रिएशन में से क्रिएट किया जाता है। राइट साइड में प्रोविजन, प्रोविजन इज क्रिएटेड आउट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रोविजन बच्चों प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से क्रिएट किए जाते हैं। नेक्स्ट डिफरेंस है बच्चों वॉलेंटरी और मैंडेटरी। एन अमाउंट इज अप्रोप्रिएट टू जनरल रिजर्व ओनली इफ देयर इज अ प्रॉफिट एट द एंड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर एंड इट इज वॉलेंटरी। यानी जनरल रिजर्व बच्चों जब बिजनेस के अंदर प्रॉफिट होता है तभी जनरेट किया जाता है, प्रॉफिट ना हो तो जनरल रिजर्व नहीं रखा जाता है। इट इज कॉल्ड वॉलेंटरी, यानी वो स्वैच्छिक है बच्चों। इस तरह प्रोविजन, प्रोविजन इज मेड इवन इफ देयर इज अ लॉस एट द एंड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर। प्रोविजन बच्चों प्रॉफिट हो या लॉस वो काउंट करना या रखना कंपलसरी है, इसलिए प्रोविजन लॉस की पोजीशन में भी रखा जाता है। नेक्स्ट स्लाइड में बच्चों डिफरेंस को हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं। नाउ वी आर टेकिंग अनदर फोर्थ पॉइंट ऑफ जनरल रिजर्व एंड प्रोविजन डिफरेंस यूजेस। जनरल रिजर्व कैन बी यूज्ड फॉर एनी पर्पस, यानी जनरल रिजर्व का बच्चों कोई भी यूज किया जा सकता है, कोई स्पेसिफिक पर्पस नहीं है। प्रोविजन के अंदर बच्चों ऐसा कह सकते हैं, प्रोविजन कैन बी यूज्ड ओनली फॉर द पर्पस फॉर विच इट इज क्रिएटेड। यानी प्रोविजन बच्चों जो पर्पस के लिए क्रिएट किया गया उसके लिए यूज किया जाता है। जैसे आपने प्रोविजन पर टैक्स किया हो तो टैक्स की वैल्यू के लिए प्रोविजन फॉर टैक्स का यूज होगा। नेक्स्ट है बच्चों इन्वेस्टमेंट। जनरल रिजर्व कैन बी इन्वेस्टेड इन द बिजनेस और आउटसाइड द बिजनेस। जनरल रिजर्व बच्चों बिजनेस में या बिजनेस के बाहर उसे इन्वेस्ट किया जा सकता है। और प्रोविजन में बच्चों, प्रोविजन कैन नॉट बी इन्वेस्टेड इन द बिजनेस
और आउटसाइड द बिजनेस। प्रोविजन की वैल्यू बच्चों फिक्स पर्पस के लिए होती है, तो इसे बिजनेस के अंदर या आउटसाइड इन्वेस्ट नहीं किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों डिविडेंड। जनरल रिजर्व कैन बी यूज्ड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड। शेयर होल्डर को डिविडेंड देने के लिए बच्चों कंपनी जनरल रिजर्व का यूज कर सकती है। इस तरह बच्चों प्रोविजन कैन नॉट बी यूज्ड फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड, यानी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बच्चों प्रोविजन का यूज नहीं कर सकते। लास्ट पॉइंट बच्चों प्रेजेंटेशन इन अकाउंट्स। जनरल रिजर्व इज शोन इन बैलेंस शीट ऑन द लायबिलिटी साइड अंडर द हेडिंग ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस। बैलेंस शीट, जब बच्चों आप फाइनेंस स्टेटमेंट टॉपिक सीखोगे, अभी आपको नॉलेज नहीं है बच्चों, पर अभी जस्ट याद रखने के लिए, डिफरेंस को समझने के लिए आपको याद रखना है, जनरल रिजर्व बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड रिजर्व एंड सरप्लस के हेडिंग के अंदर लिखा जाता है। और प्रोविजन के लिए बच्चों प्रोविजन इज शोन इन बैलेंस शीट ऑन लायबिलिटी साइड, प्रोविजन अगेंस्ट एज असेट्स इज शोन बाय डिडक्टिंग फ्रॉम रिस्पेक्टिव असेट्स ऑन असेट साइड। यानी प्रोविजन बच्चों सेम बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड लिखा जाता है, पर अगर कोई असेट्स के अगेंस्ट आपने प्रोविजन किया हो बच्चों, तो वो बैलेंस शीट में असेट्स में से डिडक्ट किया जाता है। ये लास्ट डिफरेंस है बच्चों, आपको ज्यादा समझ नहीं आएगा, आपको खाली मगअप कर लेना, याद रखना है, क्योंकि इसका यूज बच्चों फाइनेंस स्टेटमेंट एनुअल अकाउंट जब आप चैप्टर 5 सीखोगे तब आपको अच्छी तरह समझ आएगा। डियर स्टूडेंट्स, अब हम जनरल रिजर्व और प्रोविजन के डिफरेंस के बाद अनदर डिफरेंस देखने जा रहे हैं, जिसके चांसेस एग्जाम में बहुत ज्यादा है, वो डिफरेंस बिटवीन जनरल रिजर्व एंड कैपिटल रिजर्व। सेम बच्चों पहले टेबल प्रिपेयर करेंगे, फर्स्ट कॉलम में आएगा पॉइंट्स, फिर जनरल रिजर्व की डिटेल और फिर कैपिटल रिजर्व की डिटेल, जिसमें सबसे पहला पॉइंट है बच्चों फ्रॉम विच अप्रोप्रिएटेड, कहां से रिजर्व अप्रोप्रिएट किया जाता है। तो पहले पॉइंट में बच्चों जनरल रिजर्व इज अप्रोप्रिएटेड आउट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, यानी जनरल रिजर्व बच्चों अप्रोप्रिएट यानी डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में, यानी प्रॉफिट एंड लॉस के बाद जो प्रॉफिट बचता है उसमें से। इस तरह बच्चों कैपिटल रिजर्व में कैपिटल रिजर्व अराइजेज आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट, कैपिटल रिजर्व बच्चों कैपिटल प्रॉफिट में से अराइज होता है। द अमाउंट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट इज ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, और जो कैपिटल प्रॉफिट की अमाउंट होती है बच्चों वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर की जाती है। सेकेंड सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस है बच्चों यूज। जनरल रिजर्व कैन बी यूज फॉर एनी पर्पज लाइक फॉर द ग्रोथ ऑफ द बिजनेस और फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड और टू मीट विथ कंटीजेंट रिक्वायरमेंट। यानी जनरल रिजर्व बच्चों कोई स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज नहीं होता है, उसका आप डिविडेंड के लिए यूज कर सकते हो, बिजनेस के ग्रोथ के लिए यूज कर सकते हो, या फ्यूचर की कोई भी कॉन्टीजेंट लायबिलिटी एक्सपेंसेस पेमेंट के लिए यूज कर सकते हो। यानी जनरल रिजर्व बच्चों स्पेसिफिक पर्पस के लिए नहीं होता है। आगे जाते हैं बच्चों कैपिटल रिजर्व में। कैपिटल रिजर्व कैन बी यूज्ड टू राइट ऑफ लॉस ऑन सेल और रीवैल्यूएशन ऑफ फिक्स्ड असेट्स और टू राइट ऑफ इनटेंजिबल एंड फिक्टिटियस असेट्स लाइक गुडविल, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस एंड डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। कैपिटल रिजर्व का यूज बच्चों कोई असेट्स का लॉस हो वो लॉस राइट ऑफ करने के लिए, कोई फिक्स्ड असेट्स का रिवैल्यूएशन करने के लिए, कोई इनटेंजिबल अदृश्य मिलकत या फिक्टिटियस असेट्स जैसे कि गुडविल, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, ये सबको राइट ऑफ करने के लिए किया जाता है। अब बच्चों इसका डीप में यूज आपको फाइनेंस स्टेटमेंट में मिलेगा, पर अभी आपको एज अ स्टूडेंट डिफरेंस के लिए याद रखना है। नेक्स्ट हेडिंग है बच्चों डिविडेंड। जनरल रिजर्व कैन बी यूज्ड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड। जनरल रिजर्व का यूज बच्चों डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हो सकता है। ऑलरेडी हमने आगे जनरल रिजर्व और प्रोविजन के डिफरेंस में भी देखा हुआ है। इस तरह बच्चों कैपिटल रिजर्व के लिए जनरली कैपिटल रिजर्व कैनॉट बी यूज फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड। कैपिटल रिजर्व का यूज बच्चों डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए नहीं होता है। डिविडेंड कैन बी पेड आउट ऑफ कैपिटल रिजर्व ओनली अंडर स्पेसिफिक सर्कमस्टेंसेस सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस। यानी कैपिटल रिजर्व बच्चों डिविडेंड के लिए यूज नहीं होता है, पर उसके अंदर कोई सर्टेन कंडीशन का पालन हो तब उसमें से डिविडेंड डिक्लेयर किया जाता है। लास्ट पॉइंट है बच्चों बोनस शेयर्स। जनरली रिजर्व कैन बी यूज्ड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बोनस शेयर्स।
टू शेयर होल्डर्स यानी बोनस शेयर डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बच्चों जनरल रिजर्व कंफर्म बिजनेस द्वारा यूज किया जाता है, उसका मोस्टली यूज बोनस शेयर के लिए होता है। इस तरफ बच्चों कैपिटलिज्म ऐसा कह सकते हैं, जनरली कैपिटल रिजर्व कैन नॉट बी यूज्ड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बोनस शेयर्स। जनरली बच्चों बोनस शेयर के लिए कैपिटल रिजर्व का यूज नहीं होता है। इट कैन बी यूज्ड ओनली इफ देयर इज अ प्रोविजन इन आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। अब बच्चों आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अंदर प्रोविजन हो तब कंपनी बोनस शेयर के लिए कैपिटल रिजर्व का यूज कर सकती है। तो बच्चों डिविडेंड और बोनस शेयर दोनों में बच्चों जनरल रिजर्व यूज होता है, पर कैपिटल रिजर्व सर्टेन कंडीशंस और कंपनी लॉ का पालन हो, आर्टिकल्स की प्रोविजन हो, तभी उसका यूज होता है। तो ये हो गया बच्चों छोटा प्यारा डिफरेंस जनरल रिजर्व एंड कैपिटल रिजर्व। हर स्लाइड को बच्चों वीडियो पोस्ट करके आप फोटो खींच लो या नोट डाउन कर लोगे, मैं ऐसी आशा रख रहा हूं। नेक्स्ट स्लाइड के अंदर बच्चों शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यू करने जा रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब आपके सामने मैं लेने जा रहा हूं बच्चों सेक्शन ए, दैट इज कॉल्ड एमसीक्यूज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। आपको क्वेश्चन में से कोई एक ऑप्शन सिलेक्ट करना है। राइट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम दोज गिवन बिलो ईच क्वेश्चन। यहां से बच्चों आपको राइट ऑप्शन सिलेक्ट करना है। सबसे पहला क्वेश्चन है बच्चों, जनरल रिजर्व इज क्रिएटेड बाय डेबिटिंग ब्लैंक। तो आपको पता ही है बच्चों ऑलरेडी ये सारे क्वेश्चन थियरी में आ गए। जनरल रिजर्व बच्चों किस में से क्रिएट किया जाता है? इट इज क्रिएटेड आउट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। चार ऑप्शन है बच्चों, उसमें आप देख सकते हो बी आंसर को मैंने रेड किया हुआ है। ये आपका फर्स्ट आंसर होगा, जी आर इज क्रिएटेड आउट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। सेकेंड क्वेश्चन है बच्चों सेम उसके जैसा ही, प्रोविजन इज क्रिएटेड आउट ऑफ ब्लैंक। प्रोविजन किस में से क्रिएट किया जाता है बच्चों? तो सबसे पहला आंसर आएगा ए, फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सेकेंड ऑप्शन है बच्चों पीएनएल एप्रोप्रिएशन। थर्ड ऑप्शन है ट्रेडिंग अकाउंट। फोर्थ ऑप्शन है कैपिटल अकाउंट, बट करेक्ट आंसर इज ए, प्रॉफिट एंड लॉस। थर्ड क्वेश्चन है बच्चों, ब्लैंक अकाउंट्स शोज दैट रिजर्व आर इन्वेस्टेड आउटसाइड द बिजनेस। जब बच्चों रिजर्व को बिजनेस के बाहर इन्वेस्ट किया जाता है तो उसे नाम दिया जाता है रिजर्व फंड। सेकंड लेक्चर के स्टार्टिंग में बच्चों इसका मीनिंग आ चुका है, आंसर आएगा सी, रिजर्व फंड। फोर्थ क्वेश्चन है बच्चों, ब्लैंक बैलेंस इज जनरली नॉट यूज्ड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड। कौन से बैलेंस या रिजर्व को बच्चों डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए यूज नहीं किया जाता है? पहला ऑप्शन है जनरल रिजर्व, नहीं आएगा। सेकंड ऑप्शन है प्रोविजन, वो भी नहीं आएगा। थर्ड रिजर्व फंड, वो भी नहीं। फोर्थ इज द करेक्ट आंसर डी, कैपिटल रिजर्व। तो आप देख सकते हो बच्चों सारे एमसीक्यूज जो आपने थियरी आगे समझे डिफरेंस समझा उसमें से निकल रहा है। वीडियो पोस्ट करके बच्चों आप लोग आराम से सबको नोट डाउन करते रहिए। डियर स्टूडेंट्स, अब एमसीक्यू कंटिन्यू करने जा रहे हैं हम। एमसीक्यू नंबर 5, ब्लैंक इज नॉट एडवाइजेबल टू क्रिएट फॉर बिजनेस। बच्चों कौन से रिजर्व को बिजनेस में एडवाइजेबल नहीं है रखना? दैट इज कॉल आंसर नंबर सी, सीक्रेट रिजर्व। क्योंकि बच्चों सीक्रेट रिजर्व जनरली बिजनेस की इंफॉर्मेशन को कम या ज्यादा दिखा के अनसीन वैल्यू के आधार पर दिखाया जाता है, जिससे कई बार बच्चों सामने वाली पार्टी को या डिफरेंट डिफरेंट पार्टीज को बिजनेस की गलत इंफॉर्मेशन जाती है। तो जनरली एडवाइजेबल नहीं है कि सीक्रेट रिजर्व बिजनेस जनरेट करें। अब बच्चों हम लेने जा रहे हैं सेक्शन बी, शॉर्ट क्वेश्चन होंगे बच्चों, वन लाइनर। क्वेश्चन टू, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन वन सेंटेंस। एक सेंटेंस में बच्चों में क्वेश्चन का आंसर देना है। सबसे पहला क्वेश्चन है बच्चों स्टेट टाइप्स ऑफ रिजर्व। ये सारे क्वेश्चन बच्चों ऑलरेडी थियरी में स्टडी किए, पर एज अ शॉर्ट क्वेश्चन कैसा आता है हमें समझना होगा। इसका आंसर है बच्चों, देर आर टू टाइप्स ऑफ रिजर्व इन बिजनेस। फर्स्ट रेवेन्यू रिजर्व और सेकेंड आएगा बच्चों कैपिटल रिजर्व। रिजर्व के बच्चों दो प्रकार है, रेवेन्यू रिजर्व एंड कैपिटल रिजर्व। सेकेंड क्वेश्चन है बच्चों, वॉट इज रिजर्व फंड। अभी बच्चे एमसीक्यू में देख लिया है, फिर भी उसका मीनिंग समझ लेते हैं। रिजर्व फंड क्या है? वेन द अमाउंट ऑफ रिजर्व इज इन्वेस्टेड इन सिक्योरिटीज आउटसाइड द बिजनेस, इट इज नोन एज रिजर्व फंड। जब बच्चों बिजनेस का रिजर्व आउटसाइड बिजनेस इन्वेस्ट किया जाता है तो इट इज नोन एज रिजर्व फंड। थर्ड क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट इज सीक्रेट रिजर्व। अभी ऊपर बच्चों 5 नंबर का एमसीक्यू दिखाई दे रहा है, तो सीक्रेट रिजर्व का मीनिंग देखते हैं बच्चों। कई बार एक लाइन में एक मार्क्स में पूछा जाता है, द रिजर्व क्रिएटेड विदाउट शोइंग इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द पर्पज ऑफ स्ट्रेंथनिंग फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ द बिजनेस
इज नोन एज सीक्रेट रिजर्व। तो जब बच्चों प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इंफॉर्मेशन दिखाए बिना हिडन तरीके से बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए जो रिजर्व अनसीन रखा जाता है उसे सीक्रेट रिजर्व के तौर पे जाना जाता है। नाउ वी आर कंटिन्यूइंग अनदर शॉर्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, व्हिच रिजर्व इज यूज्ड टू राइट ऑफ लॉसेस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड असेट्स। असेट्स को बेचने का जो लॉसेस है उसे राइट ऑफ करने के लिए बच्चों कौन सा रिजर्व यूज किया जाता है? तो आंसर आएगा बच्चों कैपिटल रिजर्व इज यूज्ड टू राइट ऑफ लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड असेट्स। क्यों बच्चों कैपिटल रिजर्व यूज किया जाता है? क्योंकि कैपिटल रिजर्व बच्चों कोई भी लॉन्ग टर्म असेट्स को सेल करने से जो प्रॉफिट होता है उससे क्रिएट होता है। तो जो प्रॉफिट कैपिटल प्रॉफिट असेट्स में से जनरेट होता है उसमें से उसका लॉस राइट ऑफ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, गिव 4 इलुस्ट्रेशंस ऑफ कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व के बच्चों हमें 4 एग्जांपल चाहिए। अब नीचे मैं आपके सामने 4 इलुस्ट्रेशन एग्जांपल लेने जा रहा हूं कैपिटल रिजर्व के। 4 इलुस्ट्रेशन ऑफ कैपिटल रिजर्व एज अंडर। सबसे पहला एग्जांपल है बच्चों प्रॉफिट एंड सेल ऑफ फिक्स्ड असेट्स एंड इन्वेस्टमेंट, यानी पहले एग्जांपल में बच्चों असेट्स बेचने का प्रॉफिट। सेकंड, प्रॉफिट एंड रिवैल्यूएशन ऑफ फिक्स्ड असेट्स, कोई भी असेट्स का रिवैल्यूएशन करने से जनरेट हुआ प्रॉफिट। थर्ड, प्रीमियम रिसीव्ड बाय द कंपनी ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स और डिबेंचर, कोई शेयर या डिबेंचर इश्यू करते समय जो प्रीमियम रिसीव हो। फोर्थ, प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी, यानी बिजनेस खरीदने से पहले जो प्रॉफिट प्रायर होता है दैट इज ऑल्सो कॉल्ड कैपिटल रिजर्व। दिस इज कॉल्ड 4 एग्जाम्पल। इसमें से बच्चों पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट आप याद रख सकते, तीसरा और चौथा मिनट उसका स्टडी अभी आपने नहीं किया है, उसका स्टडी 12 कॉमर्स में आएगा। तो अभी एज अ स्टूडेंट आपको ये 4 पॉइंट खाली याद रखना है। 6 नंबर का लास्ट क्वेश्चन बच्चों, गिव 4 इलुस्ट्रेशंस ऑफ प्रोविजन। प्रोविजन के बच्चों 4 एग्जांपल दिखाइए। आंसर, 4 इलुस्ट्रेशंस ऑफ प्रोविजन आर एज अंडर। अब बच्चों आपके सामने 4 एग्जांपल ले रहा हूं। सबसे पहला एग्जांपल है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। सेकंड है बच्चों प्रोविजन फॉर बैड डेट। थर्ड है बच्चों प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। एंड फोर्थ है बच्चों प्रोविजन फॉर रिपेयर्स एंड रिन्यूअल्स। ये 4 एग्जाम्पल हुए बच्चों प्रोविजन के। तो यहाँ बच्चों जितने जरूरत थी वो सारे डिफरेंसेज शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यू ले लिए। आई थिंक प्रोविजन रिजर्व का टोटल वेटेज बच्चों 4 मार्क्स है। तो अगर आप ये दोनों लेक्चर का काम मिलके लगभग 40 या 50 मिनट का लेक्चर हुआ दो, इतना आप लोग स्टडी में तैयार कर लोगे तो आपका काम हो जाएगा। बाकी बच्चों ऑफलाइन के अंदर भी मैं आपको समझाऊंगा इसका, और पीडीएफ कॉपी आपको ऑफलाइन के अंदर प्रिंट हार्ड कॉपी में दे दूंगा। यहाँ रखते बच्चों, अच्छी तैयारी कीजिए और टॉप लेवल का रिजल्ट लाइए। टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय माता जी। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड प्रेस बेल आइकॉन फॉर नोटिफिकेशंस।